अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आप सभी के लिए अपने चैनल यानी कि यूपी स्पेशल जायका में लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी सी और मज़ेदार रेसिपी जो कि बच्चों और बड़ों सभी की पसंदीदा होती है, वाइट सॉस पास्ता रेसिपी। और ये रेसिपी की फरमाइश मेरे एक चैनल के व्यूअर्स की थी, तो स्पेशल ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। अगर आप देख रहे हैं और आपने यदि ये वीडियो देख ली है तो मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बनाने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हमने इसको कैसे बनाया है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। पतीले में लिया है मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून नमक एंड 1/2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं पास्ता जो हमारे पास है। सबसे पहले हम पास्ता बनाने के लिए, वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम पास्ते को उबालते हैं पानी में। तो जब ये अच्छे से उबल जाएंगे तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। हम ऑयल का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे हमारे जो पास्ता है वो आपस में नहीं चिपकते हैं। तो 10 मिनट बाद देखिए हमारा जो पास्ता है ये हो चुका है। हम इसको एक बड़ी सी छलनी में निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडे पानी के नीचे रख देंगे जिससे जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और नमक का यूज़ हमने इसलिए किया था जिससे हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल भी फीका ना लगे। तो हमने इसे ठंडे पानी में रख लिया है और इसको हम एक पतीले के ऊपर रख देंगे कि जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा उस पतीले में आ जाए। अब मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून ऑयल। और इसमें हम कुछ अपनी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे जो कि हमारे पास्ते में डलेंगी। तो सबसे पहले मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ ली थी और इन्हें बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। जब यह हल्की सी पिंकिश हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी कटी हुई प्याज जिसे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। तो ऑयल में हम इसको 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। हमें इसको लहसुन को बिल्कुल भी नहीं जलाना है। तो देखिए लहसुन हमारा हो गया था। इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन जिसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है उसको हम फ्राई करेंगे। इसको भी हमें हल्का पिंकिश होने तक ही फ्राई करना है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। 1 मीडियम साइज़ की मैंने कैप्सिकम ली थी, इसे भी मैंने स्क्वायर शेप में थोड़ा बारीक कट किया है। आप भी बारीक कट कीजिए क्योंकि ये हमारी फ्राई होकर ही पास्ते में डलती हैं तो ये हमें मुंह में आती हुई टाइट टाइट नहीं लगेंगी, थोड़ा सॉफ्ट फ्लेवर आएगा। तो आप इसे थोड़ा बारीक और स्क्वायर शेप में कट करें, इससे ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमें इसको हल्का पिंकिश ही फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करते रहेंगे। और मुट्ठी भर मैंने लिया है यहाँ पे कॉर्न। ज़रूरी नहीं है जिन वेजिटेबल्स का यूज़ मैंने किया है आप भी उन्हीं का ही करें। आपके पास अगर और कोई वेजिटेबल्स हैं तो आप उनका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे वाइट सॉस था बनने के बाद बहुत ही यम्मी लगता है और मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं सभी को मेरे हाथ का ये वाइट सॉस का पास्ता, क्रीमी पास्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरी एक व्यूअर्स की फरमाइश है। आई होप मैं उनकी फरमाइश पे बहुत ही अच्छे तरीके से खरी उतरी होंगी। अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इस रेसिपी को वो ट्राई कर चुके हैं तो वो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसमें ऐड किया है हल्का 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पाउडर जिससे इसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस आता है। और इसको 1-2 मिनट तक हम फ्राई करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में मैंने लिया है बटर। मैंने लिया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून बटर। और जब ये बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम 1/2 कटोरी मैदा ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे। बिल्कुल अच्छे से हम बटर में इसको मिक्स कर देंगे कि इसमें देखिए बिल्कुल मटर इसमें अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाना चाहिए। हमारा मैदे में बहुत अच्छे से बटर हमारा ऑब्ज़र्व हो चुका है। हम इसको कंटिन्यू अच्छे से 1-2 मिनट तक भुनाई करते रहेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा जो बटर है वो इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें हम देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा ऐसा लग रहा है सूजी टाइप का है। अच्छी तरह हम इसको दबा दबा के ऐसे बटर में मिक्स कर देंगे। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसको एक लिक्विड फॉर्म करेंगे और
इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे दूध डालते हुए, जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। और जब ये बिल्कुल एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, क्रीमी पेस्ट, तो हम इसमें अपना उबाला हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ये रेसिपी शेयर करनी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अपने व्यूअर्स का ध्यान भी रखना पड़ता है, जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें इतना पसंद करते हैं और अपनी फरमाइशें हमारे सामने रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे कमेंट में कहते हैं कि हमें ये बनाकर बताइए और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी। और देखिए, ये क्रीमी टेक्सचर हमारा बन गया था, तो इसमें फ्राई की हुई मैंने अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी हैं। याद रखिएगा, हमने जब पास्ते को उबाला था तो भी हमने उसमें नमक ऐड किया है और वेजिटेबल्स में भी हमारे नमक है। तो हम, अगर आपको नमक फीका लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से अपने पास्ता की जो क्रीम हमारी तैयार हुई है टेक्सचर, उसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये हमारा क्रीमी क्रीमी पास्ता, और ये खाने में भी उतना मज़े का लगता है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सीज़निंग एंड 1.5 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि मुझे रेड चिली फ्लेक्स बहुत पसंद है, कि इसकी स्पाइसीनेस इसमें पास्ता में बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप कम ले सकते हैं। मेरी रेसिपी तैयार है, मैंने इसको कर लिया है सर्व, और ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लग रही है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा और कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।